तो वेल गाइस, मैं हूँ मुरीजे और मैं आपको आज बताने वाला हूँ फार क्राई 3 में वेपन स्लॉट कैसे अनलॉक करते हैं। फाइन पीस ऑफ वर्क। नाउ टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स। द रेडियो सेड वॉस वाज रिकॉर्डिंग रैंसम वीडियोस ऑफ पीसी पायरेट्स कोव, बट वी कॉल इट सनसेट कोव। दैट्स वन ऑफ द प्रिजन। गॉट इट। रिमेंबर जेसन, द स्ट्रेंथ यू रिसीव फ्रॉम द पास्ट विल हेल्प यू सक्सेस। सो हम अभी प्रिजन ब्रेक इन में हैं। मैं आपको वेपन स्लॉट दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, मेरे दो वेपन स्लॉट ओपन है, बाकी सारे ब्लॉक हैं। अब इसको ओपन करने के लिए वेपन होल्स्टर हमें ओपन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें मेन चीज़ जो है शार्क स्किन चाहिए होती है। तो इधर शार्क है, और अगर आपके पास स्नाइपर है तो फिर आप दो बुलेट में शार्प स्किन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो दो बुलेट में शार्क तो मर जाती है, फिर आप जाके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। हमने इधर दो शार्क को अभी किल कर दिया है, अब हम जाएंगे उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे स्किन। अब वो सामने हमारे ऊपर एक शार्क है, कहीं वो हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। बट ये रहा, अब हमें होल्ड ई करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट स्किन करने के लिए। देखो, शार्क ने हमारे ऊपर अटैक किया। हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ लॉस हो जाती है। अब हमारी हेल्थ काफ़ी लॉस हो चुकी है, बट हमने एक शार्क स्किन एक्सट्रैक्ट कर ली है। अब हम इसको भी किल करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा टाइम तक पानी के अंदर रह नहीं सकता है। ये धीरे धीरे जैसे आप स्टेजेस क्रॉस करोगे, इसकी पानी में गोता लगाने की और रहने की कैपेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो हमारे पास हैवी ड्यूटी वॉलेट के लिए रेसिपी आ गई है, यानी अब हम हैवी ड्यूटी वॉलेट जो है वो हम बना सकते हैं। तो अब मैं आपके वेपन होल्स्टर में जाके दिखाता हूँ आपको, या रेसिपी क्राफ्टिंग में जाता हूँ। अब मैं इधर क्राफ्टिंग में गया। ये हमारा वेपन होल्स्टर है और ये हमारा ऊपर वॉलेट है। ये रक्सैक अभी नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए हमें टेपायर हाइट चाहिए। अब हम वेपन होल्स्टर में जाएंगे, रग्ड होल्स्टर। देखो, रग होस्टल जो है अब हमारा बन चुका है, और हैवी ड्यूटी होल्स्टर भी हम ले चुके हैं। इससे जो है हमारी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, और जो वेपन स्लॉट है धीरे धीरे अनलॉक होने लगते हैं। अगर आपको ज़्यादा सामान चाहिए तो आप रक्सैक बैग जो है वो भी आप वो कर सकते हो, इसको बना सकते हो, क्राफ्ट कर सकते हो। ये हंटर इंस्टिंक्ट तब काम आता है जब हमें कोई हंटिंग करनी होती है। हमने सारे शार्क स्किन को जो है यूज़ कर लिया है। अब हम और भी शार्क स्किन जो है उसको लेंगे, और उसके साथ फिर हम जो है जितने भी हमारे क्राफ्टिंग के एलिमेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं हम, और आगे की चीज़ें क्राफ्ट कर सकते हैं। वेपन होल्स्टर का मतलब इधर ये है कि इसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स को अपने पास कैरी ऑन कर सकते हैं, जिससे वेपन स्लॉट जो है वो ओपन हो जाता है। अब मैंने इधर एक शार्क मारी थी, बट वो मुझे दिख नहीं रही है इधर, तो मुझे दूसरी शार्क को मारना पड़ेगा।
जो हमारे जस्ट सामने है। ये लगी दूसरी बुलेट और ये खत्म। ये ज़्यादा देर तक पानी में रह नहीं सकता, इसकी आफत आने लगती है। तो हमने एक शार्क स्किन और जो है एक्सट्रैक्ट कर ली है, दूसरी शार्क हमारे पास है, हम इसको भी फिर से किल करते हैं। इस सारी शार्क उधर ही जाके क्यों डेड होती है? तो हम इस वाले का एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, वो जो शाइन कर रही है, जो फ्लिकर कर रही है, यानी इसको हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं अभी। तो हमारे पास दो शार्क स्किन और हो गई है। तो अब हम हैवी ड्यूटी वॉलेट करेंगे। तो एक्सटेंडेड वॉलेट के लिए हमें हॉर्न हार्ट चाहिए। अगर आपको हॉर्न हार्ट मिल जाता है तो आप वो हंट डाउन कर सकते हो, जिससे आप हैवी ड्यूटी भी ले सकते हो, जिससे आपकी कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी वेपन्स लेने की। तो वेपन होल्स्टर में जहाँ आप देख पा रहे थे कि ओन ऑल लिखा हुआ आ रहा है, यानी हम सारा कुछ ओपन कर चुके हैं। तो अब मैं आपको वेपन स्लॉट दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, हमारे वेपन स्लॉट सारे अनलॉक हो चुके हैं। तो इसमें हम दो तरीके के वेपन और एक्स्ट्रा अब हम लोड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था जिससे आपको पता लग जाएगा कि फार क्राई 3 में हम कैसे अपने सारे वेपन स्लॉट जो है अनलॉक करते हैं। आगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स की जो वीडियोज़ होंगी फार क्राई 3 की, वो मैं लाता रहूँगा। आगे और भी इसी टाइप की वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।